हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यहाँ पे बनाई है मैंने लस्सी शाम को 5 बजे। मुझे और शौर्य को बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी पीने की, तो बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग आया क्योंकि मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिगड़ गया था, प्रोसेस स्लो हो रही थी। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, अनियन कट कर रही हूँ क्योंकि बनने वाला है पनीर टिक्का। तो अनियन यहाँ पर मैंने कट कर ली है, उसके बाद मैं उसमें कट कर लूँगी मिर्च और गार्लिक और अदरक वो सब। और यहाँ साइड में मैंने राइस चढ़ा दिया है, इसका जीरा राइस बनेगा। और इस सबको मैं चॉपर में चॉप कर लेती हूँ अच्छे से। और उसके बाद यहाँ पे मेरी सब्ज़ी रेडी है, कसूरी मेथी डाल दी है और ये देखिए कुछ ऐसी रंगत आई है मेरी सब्जी की। और यहाँ पे एक्स्ट्रा यूटेंसिल्स क्लीन करके पूरा प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया है। मेरी सब्ज़ी रेडी है, साइड में मेरे जीरा राइस रेडी है क्योंकि शौर्य और उसके पापा को पनीर की सब्ज़ी के साथ जीरा राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये है गर्म पानी। तो काम ख़त्म करने के बाद मेरी इच्छा है थोड़ा गर्म पानी पीने की, तो मैं पी लूँगी थोड़ा गर्म पानी क्योंकि लस्सी भी, तो उसकी वजह से मेरा थोड़ा पेट हैवी सा लग रहा था। तो फिर 7:30 बजे किचन का काम ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ आराम से गर्म पानी पीने के लिए क्योंकि शाम को लस्सी भी थी, उसके बाद मुझे थोड़ा सा हैवीपन हो रहा था, 1 गिलास ही पी थी फिर भी। तो मैं गर्म पानी पी रही हूँ और उसके बाद बज गए रात के 8 और आकाश आ गए थे और ये शौर्य भी खेल के आ गया है वापस और वो पानी पी रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं उसके लिए पराठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पराठे में बनेगा उसके लिए लच्छा पराठा, उसमें मैंने मैदा बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, सिर्फ गेहूँ का जो अपना रोटी का आटा है उससे ही उसका मैं लच्छा पराठा रेडी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने डाल दी कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद इसके ऊपर मैंने घी स्प्रेड कर लिया है और अच्छे से उसको, ये देखिए कुछ इस तरह सभी तरफ से घी लगा के ऐसे रोल रोल करके फिर उसका फिर से एक ऐसा, हाँ सब साइड से मैंने करके ऐसे उसकी लुई रेडी कर ली है और उसको अच्छे से अभी बेल के उसका लच्छा पराठा रेडी कर लेते हैं जिससे वो अच्छे सी परतों वाला लच्छा पराठा रेडी होगा। और बहुत ही हेल्दी है ये, सिर्फ गेहूँ का है, मैदा बिल्कुल नहीं है इसलिए। और इसको फिर तवे पे डाल के अच्छे से घी से दोनों साइड सेक लूँगी। मैं शौर्य का जो सेकना और वो सब होता है ना वो घी से ही करती हूँ क्योंकि उसको ऊपर से घी डाले, उसके सामने घी डाले तो उसको पसंद नहीं है, उसको पता चल जाता है कि मेरे खाने में घी डाला है। तो फिर ये हमारे दोनों लच्छे पराठे रेडी हो गए हैं उसके लिए, तो उसकी प्लेट रेडी कर देती हूँ मैं। तो पहले मैं सब्जी रख दूँगी प्लेट में, उसके बाद थोड़ा सा राइस भी रखूँगी क्योंकि उसको पनीर की सब्ज़ी के साथ जीरा राइस खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं रखूँगी लच्छा पराठा, वो इतना तो नहीं खा पाएगा पर जितना खाएगा उतना ठीक है, ये पराठे की साइज़ थोड़ी बड़ी है। और ये पनीर की सब्ज़ी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया है क्योंकि मैंने उसको बोला था कि आज बैंगन की सब्ज़ी और मिली उसका पनीर की सब्ज़ी। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।